चलो देखो हम दोनों आ रहे हैं, आज सेंटर में हो थोड़ा सा। हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? हाँ जी, इतना हंसते हैं ना व्लॉग में, लोगों को गुस्सा लगता है कि ये सीरियस नहीं है। सीरियस आपस में लगे, बहुत सीरियस है, हम घर में बहुत सीरियस रहते हैं। नहीं उनके साथ सीरियस नहीं है, आप लोग असल में आप मेरी एक्साइटमेंट देख सकते हैं कि हम लोग सोए हुए थे। इस लड़की से मैं बोलती नहीं हूँ, थोड़ा सा नाराज हूँ, ये मुझे अपना सही वाला समझती नहीं है। मतलब टाइम समझ फोन कर आ गई हूँ ना, इसको मैंने बोला मैं नाराज हो जाऊंगी अगर मेरी तरफ ना आई गाड़ी। नहीं मैंने इसको उस दिन बताया, ये बहुत एहतमाम कर लेती है। एहतमाम की बात नहीं है, अभी भी नहीं है यार। स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, आप लोगों ने नहीं देखी तो फॉलो करके देख लो। मैंने नहीं, मेरा काम चेक करो। नहीं मेरे बच्चों के पास मोबाइल है, घर जाके सारा कुछ देखूंगी, सारा कुछ मैंने स्टोरी लगाई थी, देखना कितना एहतमाम किया इसने। इस लड़की ने मुझे सोई हुई को फोन किया, सबसे जो नेकी काम किया है ना कि मेरे मियाँ को बोला आप रेस्ट करें भाई, मैं लेके जाती हूँ इसको जहाँ मैं हूँ ना भाई। मैंने किस लिए आसान हो गई है, मैं नताशा की ड्राइवर नहीं, अपने बच्चों की ड्राइवर, मैं नहीं 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 आते, मैं शुरू से अपने घर की ड्राइवर हूँ। अच्छा मामा की, मैंने तो ड्राइवर आंटी बोल दिया, कोई नहीं यार। मैंने मोटरवे पे गाड़ी का जो हाल करा है ना, कोई बात नहीं, चलाने से इंसान को आती है, तुम चलाओ ऐसे ऐसे। फिर मोटर से चुप करके ना, अकेली कोई भी लोहर काम हो ना, मैं तो अकेली आ जाए करो। बहुत गर्मी होती है सर्दियों में यार, क्या है गर्मी गर्मी लगाई है, खबरदार वाले लोहर को कुछ काम। मौसम कैसा होता है सर्दियों में? तो ठंड बहुत ज्यादा, यहाँ पे धुंध इतनी ज्यादा होती है, सारी गाड़ियों को क्या मसला हो गया। मैंने बोला है ना, लगता है लाहौर जहन्नुम गरीब। अल्लाह खैर इशू आई थी उसको नहीं। आप लोग ना असल में आयो पर साथ। अंकल एक मिनट ना दे, मैं तो बोलूँ असल में ये लोग आई हैं बरसात में, जी एम्बुलेंस आ गई है, तो बरसात में तो आपको पता होती गर्मी है। हाँ, तो लास्ट टाइम मैं और आज बाहर इतना प्यारा मौसम है ना, इतना प्यारा अच्छा हो गया, मैं खुश हो गई। पकड़ के थोड़ा सा बैठ दिखाओ ना, जरा फेस पे चलाओ और लोकेशन ऑन करो। अब ये रहे जी, कितना प्यारा वेदर है। ये ऊपर से नीचे करना ना, इसको ऊपर से करो तो मैं नजर आएगा सही बन गया। अपर्चर सही कर दो? हाँ कर दो, स्टॉप का भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। रेड बटन दबाओ कर। हाँ जी जैनब, आप किधर जा रही हैं हमारे साथ? मुझे तो कुछ पता नहीं है, नताशा आप ही लेके जा रही हैं। अभी हम जा रहे हैं एम एम आला रोड। नहीं जी आप मेरी दोस्त हैं, मुझे बताएं आप बारिश एंजॉय कर रही हैं? बारिश तुम्हारी वजह से एंजॉय कर रही हूँ, बाहर के हालात हैं, गाड़ी चलानी मुश्किल हो रही है। इतना अच्छा मौसम हो गया यार, खुश हो गई। खुश है चलो नताशा, खुश तो हम। हाँ मैं खुश हो गई, मैं सुबह चलना मैं रोने वाली हुई। हाँ तो भाई तो ऐसे ये गर्मी लग रही है पेट में गर्मी। मैं आते के साथ में इसके बिस्तर पर लेट गई, बेहोश होने वाली हालत हो गई थी मेरी। नहीं नहीं थोड़ी सी फ्रेश हो गई ना इससे, अब मैं फ्रेश हो गई। और मैंने चंदा को बोला है मैं फ्रेश हो गई हूँ दोबारा जलील होने के लिए। क्यों शुक्र फील करती हो? पहले गर्मी लग रही थी ना, अब जब मैंने वहाँ जाकर वेदर देखा तो मैंने कहा नहीं नहीं मौसम अच्छा हो गया। हमने कल लेट बजे किया था, 50% बताया था बारिश, मतलब हाँ ये देखें बारिश। नताशा ने दुआ मांगी है कि बारिश हो जाए। हाँ इतनी तेज बारिश हो रही है नताशा, अगर बारिश ना हो रही होती तो मैंने तुझे इस कनाल पे जरूर रोकना था। वो याद है जो फूलों वाली जगह तुमने मेरे से पूछी थी कहाँ पर? हाँ। वो ऑपोजिट साइड पे जब वापस आएंगे ना, क्या है आप भी लाइट मारे, तो वो उस साइड पे अगर बारिश ना हो रही होती तो मैं जरूर तुझे। नहीं यार इतना अच्छा व्यूज हो गए, बहुत प्यारे व्यूज हो गए, मुझे बारिश और ग्रीनरी बहुत पसंद है। हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, वो अब जाके बताएंगे आपको। नताशा मुझे कहीं भी लेके जा रही है, नताशा ने मुझे आज के दिन हायर किया है। ओके जी गाइस, तो हम यहाँ पे आए हैं 9 RC में, मैंने कुछ कपड़े लेने एमएम आलम रोड पे आए हैं। नताशा ने मैं रुक के क्यों बोल, मैंने वो देवरानी के कपड़े भी उनको देने रेंट आउट होने के लिए, क्योंकि ये पूरा मॉल बना हुआ है जहाँ पे, क्योंकि उसके ड्रेसेस ऐसे पड़े हुए थे किसी काम में भी नहीं आ रहे थे। फिर नेल पेंट तो मुझे दो महीने जग लगा लूंगी, नेल पेंट रख दिया, कहाँ रखा था घर से नेल पेंट लगाया, बच्चे छोटे छोटे घर में सारे काम करके आए हैं, बाग बाग के वो मेरे ख्याल से वही गिरा होने जब वो एकदम गिरा था ना। चलो हम नेल पेंट ढूंढ लें, अंदर जाके आपसे बात करते हैं। मेरे पास है। ओके जी, नताशा ने जहाँ पे शॉपिंग करनी थी हम आ गए हैं नताशा के साथ। नताशा का आई मेकअप मैंने किया, कितना अच्छा लग रहा है नताशा। आज आई मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है, सही करो लगाओ। वो तुम यहाँ से ऊपर जाओ, मैं यहाँ से नीचे आती हूँ। राहत फतेह अली खान का गाना जो है मोहब्बत भी जरूरी। हमारा लाहौर यहाँ खड़ी हो, मैं वीडियो सामने। हाँ मैं लाहौर में तो वीडियो बनाई नहीं तुमने, हमने कैमरा सजाने के लिए लाया। हाँ, तो आती है बता, अब क्यों नहीं समझ, फोटोज की आती है वीडियोस की नहीं आ रही। अजीब,
ये जनाब की गाड़ी का नंबर है करोला के पास, गूगल पे लिखना है करोला, वहाँ पे वहाँ पे लिखना है, पूरी डिटेल आ जाएगी, घर का एड्रेस फोन नंबर स्टॉप। ओके हम यहाँ पर आए थे क्लोजेट पे, तो नताशा जो है वो ड्रेसेस चेंज करके देख रही है, ड्रेसेस ब्राइडल ड्रेसेस बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ ठीक है। ये है इनकी रेड कलेक्शन है यहाँ पर, और ये मज़े की बात ये है कि आप लोग जो है रेंट पे भी ले सकते हो इन्हें। नताशा ने ना ये वाला ड्रेस पहना हुआ, कितना प्यारा लग रहा है, स्लोमो बना दियो, गिर गिराना, ये देखो बहुत प्यारा लग रहा है, बस 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 चक्कर नहीं। तुम थके मुंह पे लग रही है, गलती हो गई, वकास भाई को साथ ही ले आते हैं, नहीं नहीं। नताशा यहाँ पे व्लॉग बना रही हैं, नताशा कपड़े बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, आप लोगों ने नताशा का बस पूरा व्लॉग देखना है ठीक है, इस सारी क्लोजेट को देखने के लिए। देखो थोड़ा बहुत अटकाल उठा, जिस दूल्हे का छोटा उसके लिए सही ये सब तो बिना है सही बात है, मेहंदी कितने में दूल्हा बन के जा रहे हैं। हेलो जाने के लिए हाँ ओके गाइस, तो अभी हम लोग नताशा के साथ आए हैं एम्पोरियम में, और हम लोग कुछ खाने के लिए ऑर्डर करने निकले हैं, देखें क्या लेते हैं हम। नताशा जो है ब्लॉग बनाने में मसरूफ है, नताशा आपको हमारा एम्पोरियम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, शुक्र है नताशा को लाहौर के बारे में कोई चीज़ अच्छी लगी, नहीं तो नताशा को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा लाहौर लग रही है। यहाँ पर मौसम ठीक है देखो, हाँ बड़ा बड़ा खुला एरिया है, पैकेजेस इससे भी ज़्यादा खुला खुला और बड़ा, लेकिन ये ज़्यादा प्यारा, वो भी प्यारा है, हर चीज़ प्यारी है। अब तुम हमारे लाहौर को बुरा कहोगी? है नहीं नहीं लाहौर बन गए, क्योंकि गर्मी बहुत है, मास्क तेरे मास्क तो उतार के दिखाएं बीबी इधर। हेलो आई लव एम्पोरियम, आई लव एम्पोरियम, आई लव एम्पोरियम, यहां गर्मी की स्टोरी बनाना, मुझे टैग कर देना, मेरा तो ये काम है, मैं बस ठंडे को ना बेबी बाथरूम सेल्फी तो ज़रूरी है। हेलो यार इसमें तो स्टोरी बनाना, मुझे टैग कर देना, मेरा तो यही काम है, मेरे पास कुछ है, मेरे टिंडे को ना ही लो टिंडे रिकॉर्ड खाना मजे को लगे, स्टोरी तो लगाओ फिनाल बस 45 मिनट वाला 550 वाला। हेलो मैं और नताशा जो यहाँ पे बाउंसिंग लेने आए हैं, दो पासिंग, हाँ दो अंदर हम लोगों ने टिकट्स लेनी है, क्योंकि अंदर मैं कैमरा लेके नहीं जाऊँगी, वो बच्चों के लिए लिखना पड़ता है ना सारा कुछ, अंदर मैं कैमरा लेके नहीं जाऊँगी, इसलिए मैंने कहा बाहर ही वीडियो शूट कर लेती हूँ ठीक है। हम दोनों देखे कहाँ पे सबसे पहले वीडियो बनाओ बच्चे, नताशा इधर पहले सारा विजिट करके आए, जंप कर लिया वो, ये खड़े हैं, ये तो ड्रेस हमें कितना है थोड़ी देर के लिए, ये उतरना नहीं है, फट के ही उतरना है, ये जब यहाँ से निकलना है, उतरा हम भाई इधर से आओ, मैं तो नहीं काम कर सकती नताशा, ओह माय गॉड गिरना तो आराम से कर, हाँ तो आराम से कर हो गया, चलो नहीं गिरती हूँ उछलो ना, मजा आ रहा है, हमारे पास 45 मिनट, अब सारा विजिट तो पहले करते हैं।
इधर आओ पहले, इधर आओ एंड पे बहुत मजा, इधर आओ इधर आओ। ये देखे हम आगे जा रहे हैं, मुझे भी गिराई दर्जा को तो इसमें भाग भाग के जाओ ना दर्जा। इधर उसमें जंप करते हैं, बॉल्स में जंप करते हैं, इधर आओ आने दर्जा, बॉल्स में जंप करें। नताशा तो बस ही नहीं हो रही, बैटरी डेड है। बनाओ बना दो, दिखाओ जरा, ये लो बनाओ बनाओ बनाओ। मेरी ना दस बजे इकट्ठी बनाना था, तू से जाकर बता। अल्लाह जी, मैंने कहा मैं ब्लॉग का एंड तो कर लूं। अच्छा जी बेबी, एक सेकंड। अच्छा जी, नताशा वकास जो है जा चुकी हैं, हम लोगों ने एम्पोरियम में ही मिल लिया था क्योंकि उन्होंने यहाँ से वापस जाना है अब भाग भाग के इस्लामाबाद। और क्या हुआ कि सुबह अचानक मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करती हूँ, मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया सलाम दें ब्राउनी, थैंक यू घर जाके खाते हैं, दो चम्मच भी घर जाके खा लेते हैं। मैं भाई को कहता हूं, नहीं नहीं ना कहना भाई, दो दो चम्मच चम्मच दे दे हम बच्चों को, दो दो चम्मच मेरे बच्चे भी ना। अच्छा मैंने कहा था मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करती हूँ कि हुआ क्या, हम अचानक मिले कैसे। एक्चुअली मैं सुबह में सोई हुई थी नींद, फुल नींद में, और नताशा का फोन पे फोन एक फोन आया तो मैं इतनी नींद में थी कि मैंने उठाया ही, और दूसरा फोन आया तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा उठा के जल्दी से देखो कि कोई काम होगा, ऐसे नहीं नताशा फोन करती। एक सेकंड